खनन मंत्री अर्चना पांडे ने जनपद सोनभद्र का दौरा किया। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव में भारी जीत को लेकर कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को कार्ड वितरित किया गया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि जनपद में खनन की काफी समस्याएं हैं और उनको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। काफी हद तक सुधार हुआ है और जो समस्याएं हैं उनको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही आयुष्मान भारत ने लाभार्थियों को कार्ड मिलने के बाद भी उनको लाभ नहीं मिल पा रहा। इस मामले पर उन्होंने बताया कि प्राइवेट अस्पतालों को भी यह जानकारी दी जा रही है, मरीजों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देना है और अगर कोई अस्पताल ऐसा करने से मना करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई विशेष चीज तो विशेष बात तो नहीं कह सकती हूँ। प्रभारी मंत्री होने के नाते जनपद में हर महीने जनपद में हो रहे सरकार के द्वारा जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, विकास कार्य हैं, उनसे संबंधित वार्ता और उनकी जानकारी करना तथा संगठन की भी चिंता करना और इस बात को विशेष महत्व इसलिए इसको कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कि जो हमारे देश में ऐतिहासिक जीत हुई है, हमारे संगठन के लोगों ने जो मेहनत की है उसके लिए आज इन सबको बधाई देने आई थी और उसी सिलसिले में आज जैसा कि चलता है उस नाते से आज यहाँ पर हम बैठक भी कर रहे हैं, समीक्षा बैठक जिसको बोलते हैं। आज यहाँ जन आरोग्य अभियान का ये शुभारंभ हुआ है तो इससे क्या कौन कौन लाभान्वित होंगे और क्या योजना का लाभ मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने जो आयुष्मान भारत की तरह उसी तर्ज पर एक ये भी योजना हम लोगों ने लागू की है कि लोगों को जो जरूरतमंद लोग हैं उनको चिकित्सा की सुविधा, चिकित्सा के क्षेत्र में किसी तरीके से परेशान न होना पड़े और उनको इस सुविधा से लाभ पहुँचा। आयुष्मान भारत योजना चल रही है, काफी लोगों को कार्ड वितरित किया गया है, लेकिन देखा जा रहा है कि बहुत से प्राइवेट अस्पताल हैं जो इसका लाभ देने से मना कर रहे हैं और बहुत से लोगों के पास ऐसे कार्ड पहुंच गया जिसका लाभ नहीं मिल पा रहा है उनको, किसी और का कार्ड किसी और के पास पहुंच गया। देखिए, ये इस चीज को तो मैं मान सकती हूँ, ये बहुत बड़ी व्यवस्था है, इसमें कहीं कोई त्रुटि आ सकती है और उस त्रुटि को सुधारने के लिए निरंतर हमारा स्वास्थ्य विभाग भी और हम सब लोग भी इसके लिए प्रयत्नशील हैं कि जो जरूरतमंद है वो छूट रह ना पावे और उसकी व्यवस्था की जाए। यहाँ तक प्राइवेट अस्पतालों की बात आपने की है, उसमें से कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक प्राइवेट अच्छे अस्पतालों में लोगों को सुविधा मिले, लेकिन जिनका पंजीकरण है और वो नहीं दे रहे हैं ऐसा अगर संज्ञान में आता है तो उसके संबंध में बात की जाएगी और उनको इस बात के लिए। मैडम, सरकार की मंशा होती है कि हर